वो अपने आप। तो अगर तुम लोगों को कोई भी टॉपिक लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, जैसे ये एक टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोगों का सिंगेज का बुक है ए टू जेड केमिस्ट्री वाला, वो एक बुक तो सॉल्व करना शुरू करेंगे सब लोग, क्योंकि टाइम आ गया है काइंड ऑफ, बट अभी नहीं करना है तो रुक सकते हैं, कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जब ऑर्गेनिक चल रहा होगा तो उस टाइम पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा शुरुआत में होमवर्क का। ऑर्गेनिक काइंड ऑफ ऐसा है कि किसी किसी दिन बस थ्योरी चलेगा और किसी किसी दिन केवल क्वेश्चन होता रहेगा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी केमिकल काइनेटिक्स में होगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा मैथमेटिकल एंड पे भारी टॉपिक है, तो उसमें इंटीग्रेशन, लॉग, ये सब बहुत तरह की चीजें हैं, उसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। तो उस टॉपिक में थोड़ा तुम लोगों को टाइम चाहिए होगा आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का। सॉल्यूशन वगैरह बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अगर तुमको लगता है कि सर ये पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे सॉलिड स्टेट कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट ऑल्दो आसान टॉपिक है, इंजीनियरिंग मेडिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट स्टिल मेडिकल के जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन से कैलकुलेशंस किस तरीके से करना है, जो बोले अप्रोक्सीमेशन वाली जो चीजें होती है वो किस तरीके से करनी है, अगर ये सब चीजें हम लोग को बताना है तो लोग आराम से उस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं। तो तुम लोगों के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम लोग क्या टॉपिक करना चाह रहे हैं या फिर तुम लोग को क्या टॉपिक कराना है, वो तुम लोग डिसाइड कर लो। सर 11th का, 11th क्लास का, ठीक है। तो 11th क्लास का तुम लोग ग्रुप में आपस में डिसाइड कर लो, लड़ाई झगड़ा जो करना है कर लो, कि 11th क्लास का कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, रिवीजन कर लेंगे हम लोग, ज्यादा बेटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जीओसी तो अपना चलेगा, क्योंकि जब तक हम लोगों का जीओसी और आइसोमेरिज्म कम्प्लीट होगा तब तक फिर उसके बाद ही हम लोग को ऑर्गेनिक शुरू होगा। ये चीज अगर स्ट्रांग हो गया तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होने वाला है, तुम लोग ऑर्गेनिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट फिजिक्स भी तुम लोग का काफी कुछ हो चुका है। चलो बोलते जाओ, जीओसी में जो कुछ भी डाउट है, लास्ट क्लास में जो जो होमवर्क दिया था उसमें जो भी डाउट है पूछते जाओ। सर 81 क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81 वाले पार्ट में रैंक द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द बॉन्ड इंडिकेटेड विथ एरो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शायद पता नहीं हम बताएं कि नहीं बताएं, हमको ध्यान नहीं आ रहा तुम लोगों को। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब हम लोग कंपेयर करते हैं, स्पेशली जो कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है, जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो रेडिकल बना के करेंगे, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब भी कंपेयर करते हैं तो हम लोग होमोलिसिस के टर्म में बात करते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा होमोलिसिस के बाद की बात कर रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ ये चीज है कि अगर मान लो हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में जिन कार्बन या जिन हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटाएंगे, उसको हटाने से हम लोगों का जो कार्बन के ऊपर रेडिकल आएगा, उस रेडिकल के बारे में सोचना है। और ऐसा सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन रेडिकल तो हर जगह सेम है, मान लो पहला केस ले, दूसरा केस ले, तीसरा केस ले, हर जगह पे हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो तो सेम रेडिकल होगा, हाइड्रोजन के रेडिकल में डिफरेंसेस नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों के कार्बन के रेडिकल में डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में, थर्ड केस में कार्बन का रेडिकल अलग अलग बन सकता है। तो अगर कार्बन का रेडिकल अलग अलग बनेगा तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि किसी भी एक ऑर्डर की बात कर सकते हैं, मान लो ऐसा ऑर्डर ले लिया कि यह हम लोगों के कार्बन के रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और अगर रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा दे रखा तो सिंपल चीज ध्यान रखना जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बाकी जगह भी डिस्कस किए हैं, जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा, उतना ज्यादा बनेगा, उतना इजिली बनेगा, ऐसा सोच सकते हैं। जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतना जल्दी बनना चाहेगा या उतना इजीली बनना चाहेगा या उतना ज्यादा बनना चाहेगा, ये तीनों चीजें सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट तो इस न्यूट्रल कंपाउंड को बोल रहे हैं और इसका बॉन्ड डिसोसिएट करा के हम लोग रेडिकल बना बना के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना स्टेबल रेडिकल होगा उतना जल्दी बनेगा या उतना इजिली बनेगा, इजिली बनने का मतलब कम एनर्जी लेने पे भी आराम से बन जाना चाहेगा, कम एनर्जी रिक्वायर करके भी बनना चाहेगा। तो बेसिकली हम लोगों का रेडिकल का कंपैरिजन करना है। अब तुम लोगों को ये बताना है पहले वाले रेडिकल में कितना हाइपरकंजुएशन है। रेडिकल के लिए हम लोग प्लस एंड माइनस एम को नॉर्मली यूज नहीं करते, ये प्लस एंड माइनस एम दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाता है। रेडिकल के केस में हम लोग हमेशा रेजोनेंस देखेंगे, हाइपरकंजुएशन देखेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई स्टेबिलिटी घटाएगा। रेडिकल को कार्बोकटायन के जैसा ले लेना, एग्जैक्टली कार्बोकटायन नहीं है बट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब कार्बोकटायन के जैसा कंसिडर करते हैं हम लोग। और प्लस एम और माइनस एम, इस बार होता क्या है कि माइनस एम नॉर्मली कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी घटाता है, बट रेडिकल के केस में प्लस एम माइनस एम दोनों स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि प्लस एम में चार्ज डेवलप होता है जबकि रेडिकल के केस में चार्ज नहीं होता अगर हम लोग रेजोनेंस कराएं।
तो रेजोनेंस में ऐसा कुछ होता है अगर तुम लोग को याद हो, तो जैसे प्लस एम हो या माइनस एम हो, जब हम लोग रेडिकल के साथ रेजोनेंस कराएंगे तो ना पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना नेगेटिव चार्ज बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो प्लस एम हो या माइनस एम हो, उस ग्रुप के ऊपर जैसे हम लोग जो प्लस एम माइनस एम का जो सेंस बोला करते हैं, प्लस चार्ज आएगा तो प्लस एम, माइनस चार्ज डेवलप करेगा अपने ऊपर तो माइनस एम। रेडिकल में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, नॉर्मल रेजोनेंस है जो कि इफेक्टिव नेचर का भी है। तो प्लस एम हो या माइनस एम हो, बेसिकली उसको रेजोनेंस समझ लेना। रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी घटा देंगे। तो ये बताओ पहले वाले केस में जैसे रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, कितना हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, कितना हाइपर कंजुगेशन मिलेगा इस रेडिकल के लिए, वन नंबर वाले पार्ट के लिए? फोर चार। फिर उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे छोड़ देते हैं इस ग्रुप को, टू वाले पार्ट की बात करते हैं, सेकंड वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, इस कार्बन रेडिकल पे कितना हाइपर कंजुगेशन मिलेगा? अब इधर हाइड्रोजन है, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा नहीं है, हाइड्रोजन है इधर, तो कार्बन वाले पार्ट पे एक हाइपर कंजुगेशन। और अगर मान लो हम लोग तीसरे वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहाँ रेडिकल बनाते हैं, तब इस केस में इस थर्ड वाले रेडिकल पे क्या मिलेगा हाइपर कंजुगेशन, कितना? तो इस केस में हम लोगों का सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन थर्ड में मिल रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद फर्स्ट का नंबर, फिर सेकंड का नंबर। जो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सबसे इजीली बनेगा, मतलब सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होगा उसको बनाने के लिए, सबसे कम एनर्जी रिक्वायर का मतलब सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे इजीली ब्रेक कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आराम से सोचा जा सकता है, जिसमें रेडिकल सबसे अनस्टेबल होगा वो सबसे मुश्किल से बनेगा, मतलब उसको सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो वहां का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा या सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा वहां पे। तो हम लोग का जो ऑर्डर है उसमें आया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3-1-2, मतलब अपना ऑर्डर होना चाहिए 2-1-3 के बराबर, ऐसा सोच सकते हैं, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है लेकिन ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब भी आएंगे तो मजा आए। T1 कुछ बोली नहीं रहा है, T1 समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया तो समझ गए, रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। T1 के अलावा और कोई डाउट तो बताओ। 96 क्वेश्चन नंबर 96 वाले पार्ट में क्या भाई 96 रैंक द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू डिसॉल्व गिवन कंपाउंड। Dissolve given compound. इस नेफ्थलीन को dissolve करने का tendency. नेफ्थलीन polar है या non-polar substance है? Non-polar. अगर non-polar है तो जिंदगी में हम लोग सच्चाई सुनते हैं कि हम लोग का like dissolve like. मतलब non-polar substance non-polar solute में dissolve होगा, ऐसा हम पहले भी एक दिन discussion किया था शायद कभी, polar substance polar में dissolve होगा। तो नेफ्थलीन अगर non-polar है तो नेफ्थलीन वाला पार्ट में यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेस है, इस सब्सटेंसेस में वाटर पोलर है, ये पोलर है, ऊपर E2 वो भी पोलर ही है, मतलब थोड़ा स्लाइड पोलर होता है बट पोलर है, सारे सब्सटेंसेस पोलर है, तो सब में सॉलिबिलिटी थोड़ा कम होगा, ऑल्दो इधर ऑलमोस्ट नॉन पोलर माना जाता है, ऐसा नहीं कि पोलैरिटी बहुत ज्यादा रहता है, नॉन पोलैरिटी वाला पार्ट रहता है वहां पे। तो जितना नॉन पोलर सॉल्वेंट उतना ज्यादा नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करा पाएगा, मतलब Et2O सबसे ज्यादा इस नॉन पोलर सॉल्वेंट को सॉल्यूट को डिसॉल्व करा पाएगा। फिर वाटर और अल्कोहल की अगर बात करें तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे हाईएस्ट होता है, और वाटर इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाईएस्ट होने का मतलब काइंड ऑफ पोलैरिटी से सोच सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं, वाटर का पोलैरिटी बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू बाकी सब्सटेंसेस, इसीलिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी काइंड ऑफ बहुत हाई होता है वहां पे। तो इस पूरे पार्ट में हम लोगों का H2O का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाइयर है तो ये पोलर सॉल्यूट्स को ज्यादा डिजोल्व करा पाएगा, मतलब नॉन पोलर वाले पार्ट को कम डिजोल्व करा पाएगा, तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, बाकी बचा अपना ETOH वाला पार्ट, ETOH एंड H2O, ये ऑर्डर अपना निकल के आना चाहिए, ऑप्शन डी। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, सॉलिबिलिटी ये सब जो चीजें हैं छोटी छोटी चीजें, इसको किसी टॉपिक में एसोसिएट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 96 के अलावा कोई डाउट? ये सब जो पॉइंट्स जो तुम लोग एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे ये सब जो डिस्कशन क्लास है तो खैर तुम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो हम लोग डालते ही रहेंगे,
ये सब जो क्वेश्चन जहां जहां तुम लोग को डाउट आ रहा है इन सबको मार्क करके रखते जाना, ताकि कल को अगर ये सब क्वेश्चन मार्क्ड पॉइंट्स हैं जो हम लोगों से नहीं बने थे, अगर कल को रिवीजन करना हो तो सॉलिडिटी का पॉइंट अपने आप दिख जाएगा, उन क्वेश्चंस के थ्रू ही दिख जाएगा, तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 88 सीधा वो रेफरेंस मार्क कर लेना, एमएस चौहान एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 88, इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ हम लोग इस चीज पे एसोसिएट करते हैं कि हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच्ड है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सामने वाले एटम के लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ उतना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं है, पार्शियल आयनिक इंट्रैक्शन है। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कूलम्स फोर्स, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्शियल आयनिक इंट्रैक्शन। तो एक्स के ऊपर हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। मिथाइल अमाइन दे रखा, मिथाइल अमाइन वाले पार्ट का मतलब हो गया CH3NH2। नाइट्रोजन वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरे वाले केस में दे रखा फिनॉल पीएच के साथ OH ग्रुप। तीसरे वाले केस में फॉर्मल्डिहाइड दे रखा, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब हो गया HCHO। और लास्ट वाले केस में दे रखा है मिथेनॉल CH3OH। इन सब में हम लोग नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक चीज बोला करते हैं कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है। और भी कुछ कुछ केसेस हैं जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, तो बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वहां पे, इसलिए उधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, वीक ही है बट काफी स्ट्रेंथ रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बट अदरवाइज अगर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि हाइड्रोजन वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सफिशियंटली इंड्यूस करा पाए। ऑल्दो हमको जहां तक लगता है कि अल्काइन शायद कर पाता होगा, बट फिर भी हमको डाउट है कर पाता है ऐसा। नाइट्रोजन कर पाएगा, ऑक्सीजन कर पाएगा, थर्ड ऑक्सीजन भी कर पाएगा, ये तीनों केसेस हो सकते हैं। बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो नाइट्रोजन वाला जो केस है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, मतलब नाइट्रोजन का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम आना चाहिए। फिनॉल और मिथेनॉल में दोनों में ऑक्सीजन है, अब कैसे कंपेयर करें? तो एक चीज हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, एंड अगर ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है। हम लोग के ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पीएच के ऊपर माइनस चार्ज। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है? बताओ भाई, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो इस केस में अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो अपना आंसर फिनॉल होना चाहिए। किसका डाउट था वैसे? क्वेश्चन नंबर 88 ठीक ठीक क्वेश्चन है। और कोई डाउट 88 के अलावा? सर 92। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बेंजोइक एसिड, पारा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पारामिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। एक पॉइंट बताए थे क्या? बताए ही थे शायद, डेफिनेटली बताए थे। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आएगा तो ऐसा वर्ड बताया था ना लास्ट क्लास में, शायद उससे पहले क्लास में, ऑर्थो इफेक्ट बताया था ऐसा कुछ? यस सर। हाँ भाई तान्या, बताया था ऐसा कुछ? याद नहीं, इतना मार मारेंगे नहीं, याद नहीं। हमको याद है, हम बताए थे क्योंकि तुम्हारे बुकलेट में लिखा हुआ था, मतलब इसी डिस्कशन में ही ऊपर हम कहीं पे डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हम ऑर्थो इफेक्ट लिखे थे। और डिस्कशन करते वक्त हम लोग, मतलब आप बताए थे, मेरे को याद नहीं। हाँ ऑब्वियस ही बात है, हम तो बता ही है, हमको याद है, तुम्हें को याद नहीं रहेगा। इसी में हम क्या बोलते हैं, चौहान में ही डिस्कस किए हैं जहां तक हमको ध्यान है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो इफेक्ट होता है वहां पे, और एसिडिक स्ट्रेंथ सफिशियंटली हाई हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो OCH3 भले ही प्लस एम ग्रुप हो बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा,
इस केस में हम लोगों का सबसे लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर बाकी ऑक्सीजन वाला पार्ट प्लस एंड शो करेगा, नेगेटिव चार्ज जो बनेगा उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कराएगा, तो सबसे लोएस्ट एसिडिकेशन और वन का ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए, 3:1:2 ऐसा कुछ ऑर्डर होना चाहिए। सवाल में पूछा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ 3:1:2 ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, ऑप्शन सी। और तो इफेक्ट याद रखने की कोशिश करो, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सवाल पूछना चाहिए नीट में, बट जेई एडवांस में सवाल पूछा जा चुका है, एम्स में सवाल पूछा जा चुका है, तो नीट में सवाल पूछना ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बट उसका डिटेलिंग नहीं जानना अपने को क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट में। जान गए तो अच्छी बात है, जान के भूल जाओ, बस इफेक्ट याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट हुआ तो ऐसा 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 हो जाएगा। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 92 के अलावा, जीओसी में अगर और कोई डाउट तो पूछ लो। कभी कभी अगर कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जो तुम लोगों को नहीं मालूम तो ट्राई करना कि उसको एक कॉपी में नोट करते जाओ, कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर हेडिंग डाल देना, उस हेडिंग के अंदर उसको नोट करते जाना, ताकि कल को कभी जैसे कुछ चीजें नोट की रहती है तो याद रहता है, ज्यादा याद रहता है, इसीलिए ऐसा पॉइंट नोट करना। ऑर्थो इफेक्ट एक बार बता दिए तो याद रखने लायक पॉइंट है, काफी स्पेसिफिक पॉइंट है, ये सब पॉइंट को नोट करते जाना, एक कॉपी अपने पास रखना जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट की जैसा उसको नोट करते जा रहे हैं। और कोई डाउट जीओ आइसोमेरिज्म में, कोई डाउट आइसोमेरिज्म में नहीं दिए थे? अच्छा, होमवर्क ही नहीं दे पाए थे, भूल जाते हैं यार, इतना सारा काम आ रखा है ना कि भूल जाते हैं। हम लिख रहे थे, लिखते लिखते पता नहीं कुछ काम आ गया था, फिर हम आइसोमेरिज्म के लिए होमवर्क लिखना, इनफैक्ट शायद लिख भी रहे थे, हमको जहां तक ध्यान है आइसोमेरिज्म हेडिंग तक डाले थे, देखो हेडिंग डाले थे, आइसोमेरिज्म लिखे नहीं फिर उसके बाद। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो आज के लिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर तो हम लोग फिर एक काम करते हैं, हम होमवर्क का भी मार्क करा देते कि अपने पास टाइम है, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, अगर कोई भी डाउट है तो, एंड अगर डाउट नहीं है तो पहले कुछ होमवर्क मार्क करा देते हैं, पहले आइसोमेरिज्म का भी होमवर्क मार्क करा देते हैं। आज कितना होमवर्क दे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है नहीं तुम लोगों का होमवर्क, तो इस वीक शायद एक और क्लास होगा केमिस्ट्री के डिस्कशन का, कितना होमवर्क दे खुद से सोच के बता दो। श्रुति श्रेया आप बताइए, आप ही बताइए पहले तो, पीछे बैकग्राउंड में चैटिंग कर रही है कि कितना बोला जाए कितना बोला जाए। जसना बताओ कितना होमवर्क दिया जाए, इन लोगों को नहीं बोलना है, 50, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 83, 84, 85, 87, 92, 94, 95, 96। अब आसान आसान क्वेश्चन है, शुरुआत में ही भारी भारी क्वेश्चन होते थे बुक्स में, नॉर्मली बाद में आसान हो जाता है। 97, 99, इनॉल वाला पार्ट हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनॉल इन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है, तो इनॉल को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। 101, 102, 103, 104, 104, एनेंशियोमेरिक पता नहीं पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया इन लोगों को, बट होमवर्क दे रहे हैं, अगर नहीं बना बनेगा तो पूछ लेना। 108, 109, ये सवाल ट्राई करना, मजेदार सवाल है, सोच के देखना क्या आंसर हो सकता है।
110 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, कितना क्वेश्चन हो गया इसमें? ऑलमोस्ट हम लगता है 35 क्वेश्चन हो गए होंगे। चलो जीओसी वाले पार्ट में आ जाते हैं। और इसके अलावा कौन सा टॉपिक करना है तुम लोगों को ये बता दो, कौन सा टॉपिक 11th का करा दे? सर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स 11th का नहीं है, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर करा सकते हैं। एक सेकंड, इससे पूछते हैं तो श्रुति से पूछते हैं। तो श्रुति बताओ भाई, कौन सा टॉपिक 11th का करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इन लोग का 11th थोड़ा गोल है, तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा टॉपिक कराना चाहिए इन लोगों का, नहीं क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इन लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चंस भी मोस्टली करा चुके हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बॉन्डिंग भी मोस्ट प्रोबेबली किया जा सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 101, ये अपने जीओसी का होमवर्क होगा। हंड्रेड टू, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25। ठीक, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा
एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल हम तुम लोगों को शेयर कर देंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चंस बता देंगे कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चंस करना है, क्योंकि उसमें कोई सीक्वेंस से तो मतलब नहीं है, तो उसमें क्वेश्चंस हम बता देंगे तुम लोगों को कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करना है। किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं, एंड अगर पूछना नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करेंगे। बताओ भाई किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना जी, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।